नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को लेकर। समर्थकों के कांग्रेस ज्वाइन करने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा बड़ा बवाल आया, हथकड़ी लगाकर। मैं तो क्या कह रहे हैं जरा सा समझिए। बीजेपी के अपने समर्थकों के कांग्रेस में शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान आया। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि राजनीतिक दलों में लोग आते जाते रहेंगे, यह पहली बार नहीं है, इससे में कोई नहीं बात है, यह सिलसिला आज़ादी के बाद से ही चलता आ रहा है। कहीं और जाना हो तो हथकड़ी नहीं लगाऊंगा। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सिंधिया परिवार किसी भी व्यक्ति के प्रति दुर्भावना नहीं रखता। कूटनीति में सिंधिया परिवार की कोई पकड़ नहीं है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि राजनीति में लोग आएंगे और जाएंगे, यह कोई नई बात नहीं है और पहली बार नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि आपका मन है कहीं और जाने का तो मैं हथकड़ी लगा कर तो आपको नहीं रखूंगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, मैं इतना ही कह सकूंगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सिंधिया परिवार किसी से दुर्भावना नहीं रखता है। आप अपनी इच्छा से यहाँ जुड़े और अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और इस बीच में ये तस्वीर ये बताता है कि किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया पर लोगों की निगाहें बनी हुई हैं। सिंधिया का जो है ध्यान में रखना, खास करके जो है सिंधिया को जिताना, सिंधिया कांग्रेस को जिताना, ये उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती है, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश के चुनाव में लोगों की निगाहें ज्योतिरादित्य सिंधिया पे हैं। भले ही अफवाह उड़ी थी कि वो इस्तीफा दे देंगे, कांग्रेस के साथ आ जाएंगे वगैरह वगैरह, लेकिन उनके समर्थकों को जाना ये कोई सिग्नल तो ज़रूर दे रहा है। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। मोहम्मद आसिफ, रिपोर्ट नेक्स्ट नाइन।